हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइज, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है 28 तारीख का व्लॉग। 28 सितंबर को महालक्ष्मी थी, तो यहाँ पर से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये लोटे में मैं आप लोग को बताई ना पिछले वाले व्लॉग में दूवा ला कर रख ली थी, नहाऊँगी तो 40 बार ये पानी डाल लूँगी दूवा, मतलब इस लोटे से। तो यहीं से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। देन यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ, तो डायरेक्ट मैं नहा कर किचन में आ गई थी। आज हेयर वगैरह वॉश किया है मैंने, तो महालक्ष्मी की पूजा है आज घर पर। मैं और मम्मी फास्ट रहते हैं, तो यहाँ पर आज खाने में मैं बना रही थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। नॉर्मल खाना बन रहा है सबके लिए, तो बनेगा ही, और हम लोग तो शाम को ही खाएँगे पूजा होने के बाद। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने बघार दी है, और ये गुड़ फुला कर रख दिया है क्योंकि छोटे छोटे से सुरा बनते हैं, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो इसको फुला कर रख दिया है, अच्छे से फूल जाए जब तक। तो फिर इसके बाद यहाँ पर दूध भी आ गया था, दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है मैंने। और ये आटा वगैरह हम लोग ने गूँथ लिया है, मतलब वही जो गुड़ फुलाए थे ना, ये देखिए ये है सुरा। इसको तो आप लोग को दिखाया, गुड़ फुला कर रखा था उसी का आटा गूँथ लिया है हमने। और ये छोटे छोटे से सुरा लोई जैसे बनती है वैसे चपटा करके उसके ऊपर पोस्ता दाना लगाए हैं और इस तरीके से तल रहे हैं। तो ये गिनती के बने हुए हैं 40-40 दो जगह, तो पंडित जी को देंगे ये हम लोग, मैं और मम्मी। तो इसलिए छोटे छोटे से बनाए, मतलब छोटे छोटे ही बनते हैं। साथ में जो बाइना भी जाएगा शाम को, मतलब शाम को बोले सॉरी दूसरे दिन, मम्मी देंगी ताई जी को। तो चलिए मैं आप लोग से मिलती हूँ फिर। एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी टाइम 3 बज गए हैं, दोपहर के पूरे 3 बजे हुए हैं, और आज है महालक्ष्मी। तो आज है मेरा फास्ट, आज मैंने हेयर वॉश किया था। तो और साइड में ये देखो ये दिख रहा है, अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो महालक्ष्मी का मेरा फास्ट ये सेकेंड, मतलब फर्स्ट जब पिछले वाला आप पिछले साल आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था मैंने महालक्ष्मी का, ये सेकेंड है। तो अभी जा रही हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए आ गई थी, खाना वगैरह हो गया था। अभी एक्चुअली हुआ नहीं है, अभी पापा ने नहीं खाया है, तो जब आएंगे तब दे देंगे। तो किचन उचन सब क्लीन करके आ गई थी मैं। तो फिर मैं आ गई थी रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। थोड़ा सा मैंने फरार में फल खा लिया था, मतलब क्या बोलते हैं, एप्पल खा लिया था और दो पेड़े खा लिए थे। तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, थोड़ी देर रेस्ट किया आधे घंटे। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि अब होगी पूजा की तैयारी। आज महालक्ष्मी में यहाँ पर ना फुलैरा बनता है, जैसे पिज्जा में बना था अभी आप लोग को दिखाया था, उसी तरीके से अभी फुलैरा हम लोग बनाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ। एंड मैंने एक मीशो से सूट मंगाया था, तो जो कि ये है, ये देखिए आज सुबह आया हुआ है पार्सल, तो यहीं पर ही रखा हुआ मैं देख रही थी एक्चुअली। तो इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बड़ा अच्छा सूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, और क्वालिटी बहुत अच्छी है मेन बात। और कलर भी, और भी कलर हैं इस बार इसमें। अगर आप लोग को और कोई सा कलर चाहिए तो आप लोग देख सकते हो, बट मुझे ब्लैक कलर अच्छा लग रहा था तो मैंने इसलिए ये वाला मंगाया। और भी कलर हैं, आप लोग देख लेना। तो मैं कोट डाल दूँगी, और इसे मैं खोल कर तो नहीं दिखा रही हूँ, ऊपर से दिखा रही हूँ, वरना मैं खोल कर दिखाऊँगी ना तो फैलान हो जाएगी। अभी मुझे जल्दी से बाहर जाना है, इसलिए मैं बैक कैमरे से आप लोग को दिखा देती हूँ कि कैसा है। इसमें पैंट, मतलब पूरा सेट है, दुपट्टा नहीं है, कुर्ता और प्लाजो या फिर एंकल वाला पैंट जो होता है ना, वो मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए ये है, ये देखिए वाइट कलर का इसमें पैंट दिया हुआ है। अभी मैं कभी पहनूंगी तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी मुझे जल्दी से बाहर जाना है, इसलिए मैं आप लोग को ऊपर से दिखा रही हूँ। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। 600 कुछ का है, 600 का है, और मैंने एक्सल साइज मंगाया है। मुझे एक्सल एकदम फिटिंग का होता है, कभी कभी लूज़ भी हो जाता है। मुझे लगता है मैंने खोल कर दिखा था सुबह, तो काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है, तो इसे ना साइड में सिलाई डलवानी पड़ेगी। जल्दी फटाफट से अब मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि 3 बज गए हैं। तो अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना कि हेयर अच्छे से सूख ही नहीं रहे थे, तो मैं ना लेटी हुई थी तो फ़ैन ऑन कर ली थी, फ़ैन तो ऑन होता ही है, तो अच्छे से सूख गए हैं। तो बस ये पोनी कर लेती हूँ मैं, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं और नीचे से बहुत अजीब से हो रहा है। मुझे ना कटिंग करवानी है, हेयर कट करवाने हैं। अब देखती हूँ किसी दिन जाऊँगी, क्योंकि नीचे से बहुत अजीब हो रहे हैं।
और ये कुर्ता भी लूज़ होने लग गया है मुझे इस समय। फिर से मैं थोड़ा सा डाइटिंग तो नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ थोड़ा सा खाना में मैंने मल्टीग्रेन रोटी ही ले ली है, गेहूँ की रोटी बंद करके मल्टीग्रेन की रोटी स्टार्ट कर दी, तो मुझे ना काफ़ी अंतर लग रहा है अपने वेट में। और ये देखिए मैं आगे के बाहर, तो हम लोग ये बनाए हुए हैं, बनाएंगे अभी, मतलब ये फूल हमारे यहाँ लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमने ये फुलरे के लिए 4 से 5 6 7 लर बना ली है फुलरे में टांगने के लिए। मैं दीदी मम्मी मिलकर बना रहे थे, तो मैं बनाने के बाद आप लोग को दिखा रही हूँ। एक्चुअली ट्राईपॉट नहीं लगाया था मैंने, तो मम्मी बना रही हैं और ये हम लोग बनाकर रख दिए हैं। सो गाइस देखिए ये मैं पहनने वाली हूँ, ये ऑरेंज साड़ी है, ये बैंगल्स वगैरह मैंने सब कुछ लगा रखा है। और आज के दिन गोल्ड पहना जाता है, मतलब आज के दिन क्या घर में कोई भी पूजा होती है तो गोल्ड ही पहनती हूँ मैं। तो ये वाली साड़ी जो है ये मेरी मौसी सास ने दी थी, तो ये हैवी साड़ी है, रखी हुई थी, तो मैंने बोला चलो आज पहन लेती हूँ, वैसे तो यूज़ नहीं होना है तो कम से कम पूजा पाठ या फिर कहीं ऐसे फंक्शन होता है तो पहन लो। तो ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, सिंपल तैयार हुई हूँ, ऐसा कुछ था नहीं। तो ये देखिए साड़ी कैसी लग रही है, आप लोग बताइए कैसी लग रही हूँ मैं। तो चलिए अभी रेडी हो गई हूँ, अब जा रही हूँ मैं अंदर पूजा में, पंडित जी भी आ गए होंगे। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से पूजा के टाइम पे। सो मैं और मम्मी कर रहे हैं पूजा। एक्चुअली हमारे यहाँ कई लोग के यहाँ हाथी के ऊपर लक्ष्मी जी होती हैं, वो उनकी पूजा की जाती है, बट हमारे यहाँ इस तरीके से होती है, प्लेट में होती है। मतलब प्लेट में क्या है, मम्मी मतलब बनवा ली हैं लक्ष्मी जी की फ़ोटो प्लेट में, थाली में, तो उन्हीं की पूजा हो रही है। और ये दीपक लगते हैं आज के दिन, 16 दीपक लगते हैं आटे के, तो ये जो कि हम लोग बना कर रख लिए थे। तो बस पूजा स्टार्ट हो गई है, और ये देखिए इस तरीके से हम लोग ने फुलेरा लगाया है, लर जो मैंने बना रखी थी ना वो हम लोग इस तरीके से लगा लिए हैं। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए हम लोग के साथ पूजा। एक्चुअली ये दीदी के फ़ोन का वीडियो है, तो इसलिए थोड़ा सा ब्लर है और हिल रहा है वीडियो, पता नहीं क्यों, तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को माइंड मत करना। तो सो गाइस अब पंडित जी सुना रहे हैं कथा, और ये वीडियो मेरे फ़ोन का है। तो इस तरीके से ये देखिए हमने लगाया है फुलेरा, आप लोग को अच्छे से दिखा रही हूँ। अब हंसनापुर में खुशी मनाई गई, माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज माना, और व्रत की कोई तैयारी न थी। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, सहदेव और सहेब, पांचों पांडव उपस्थित हो गए, और अपनी माता को शर्मिंदा देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की, माता इतनी दुखी क्यों हो, क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दूर करने के लिए सहायक हो सकते हैं, आप बयान करें। तब माता कुंती ने कहा, बेटा यह जाति अपमान इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग ने किया हवन, कितना अच्छा लगता है ना, पूजा वूजा होती रहती है घर में तो बहुत अच्छा लगता है। और जो आटे की दिया हम लोग ने बनाए थे वो पट्टे के चारों तरफ मतलब लगा कर रख दिए, आप लोग देख सकते हो आटे की दिया इस साइड और इस साइड लगा कर रख दिए हम लोग ने। तो ये हवन भी हो गया हमारा, अब हम लोग कर रहे हैं आरती। तो जस्ट मैं अभी फ्री हुई हूँ क्या बोलते हैं पूजा से, और पूजा होने के बाद खाना भी खा लिया है, देन अभी मैं अंदर आई हूँ 8:30 बजे की रात में।
तो ज़्यादा कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि यार क्या होता है ना, काम इतने हो जाते हैं घर पे, पूजा पाठ जब होती है घर पे, तो मैं तो सोची थी मैं ट्राईपॉड में फ़ोन लगा कर रख दूँगी, बट उसी टाइम पे मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज होना था। मतलब मुझे याद ही नहीं रहा, आज काम में लगे लगे ना याद ही नहीं रहा कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। फिर जब मैं लगाई वही चीज़ हो गया, वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो ठीक है, जो भी मेरे पास वीडियो शूट हुआ है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग बताना आप लोग क्या होती है क्या महालक्ष्मी। और ये वाली साड़ी जो मैं पहनी हुई हूँ ये मेरी मौसी सास ने दी थी साड़ी, तो इसका ब्लाउज़ जो है स्टिच नहीं हुआ है। तो ये जो ब्लाउज़ जो मैं पहनी हुई हूँ ये दूसरी साड़ी का है, बट इससे मिल रहा है, देखिए आप लोग देख सकते हो काफ़ी मिल रहा है, तो मैंने स्टिच ही नहीं करवाया था। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये वाली साड़ी मैंने दिवाली में पहन रखी थी, ये वाली जो मेरी फर्स्ट दिवाली थी ये वाली साड़ी पहनी थी। तो मैंने सोचा चलो आज पहन लेती हूँ, क्योंकि इतनी हैवी हैवी साड़ी अभी पूजा पाठ में ही पहन सकते हैं, मतलब और कहीं ऐसा कुछ फंक्शन होता है तो ही पहन पाओ, वरना वो रखे रखे ही उनका फैशन आउट हो जाए। तो ये देखिए ये वाली साड़ी कुछ इस तरीके से है, ऑरेंज कलर की है। और तो मैं सोची चलो आप लोग से बात कर लेती हूँ, अभी मैं फ्री होकर आई हूँ जस्ट रूम में, तो मैंने सोचा चेंज कर लूँ उसके पहले आप लोग से बात कर लेती हूँ, वरना फिर वो रह ही जाएगा। तो चलिए मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है, पूजा हो तो हो ही गई है, चलिए मैं चेंज कर लेती हूँ। और ये जो नेकलेस मैंने पहना हुआ है, एक्चुअली इसके इयररिंग्स नहीं डाली थी क्योंकि लेट हो रहा था, नेकलेस भी डाल लिया था मैंने। तो ये जो नेकलेस है मेरे मायके से मुझे मिला था मेरी शादी में, मतलब मायके वाला नेकलेस है ये, मैंने जबलपुर से लिया था, बताइएगा कि कैसा लगा। सो गाइस चलिए व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।